ये इतिहास के पन्नों की एक ऐसी सच्ची कहानी है जो न सिर्फ आपके दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा कर देगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि अगर आपके अंदर किसी काम को लेकर जुनून है तो आप एक छोटी सी कश्ती से पूरा समंदर पार कर सकते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन्टिकी। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम है थॉर हेडिल। वहां पर बर्फ के बीच में कुछ पानी उभरा हुआ होता है जिसके ऊपर बर्फ की दो सिल्लियां हैं और जो दूसरी बर्फ की सिल्ली होती है उसके ऊपर इनकी एक आरी है। कोई बच्चा वहां पर नहीं जाना चाहता लेकिन थॉर वहां पर जाता है। हालांकि सब बच्चे उसे मना करते हैं और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पानी में स्लिप हो जाता है और डूबने लगता है। लेकिन तभी एक बच्चा उसे पानी से ऊपर खींच लेता है। थॉर को घर पर लाया जाता है और थॉर के डैड थॉर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक सबक मिल चुका है, मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी में इस तरह का रिस्क कभी नहीं लोगे। लेकिन थॉर उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है सन 1937। थॉर अब बड़ा हो चुका है। वो एक एथनोग्राफर और एक एडवेंचरर है जो पॉलिनेशिया के एक द्वीप के बीच पर है। पॉलिनेशिया बहुत ही फेमस है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हजार से भी ज्यादा द्वीप है। हालांकि इनमें से कुछ द्वीप ऐसे हैं जो अपने आप में एक अलग देश हैं और अधिकतर द्वीपों पर दूसरे देशों का अधिकार है। थॉर अब यहीं पर रहता है। वो यहाँ की जीवन शैली को, यहाँ के लोगों को स्टडी करता है। और एक दिन जब थॉर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर एक बूढ़े आदमी के पास बैठा होता है तो वो उससे पूछता है कि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज कहाँ से आए थे। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि टिकी द सन गॉड यानी कि उनके ईश्वर उन्हें यहाँ इन आइलैंड्स पर लेकर आए, उस धरती से जो ओशियन की दूसरी तरफ है। वो ईस्ट यानी कि पूरब की तरफ इशारा करता है। थॉर इस बात पर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पूरब से? वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हर चीज पूरब से आती है, सूरज, हवा, बिजली, सब कुछ। और हमारे पूर्वज पूरब से पश्चिम की ओर आए थे यानी कि उन्होंने अपना सफर उस जगह से शुरू किया था जिस जगह सूरज उगता है यानी कि पूरब से, और वो उस तरफ चले जिस तरफ सूरज ढलता है यानी कि पश्चिम की तरफ। और सूरज ने ही उन्हें रास्ता दिखाया यानी कि उन्हें नेविगेट किया। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे एक जगह ले जाता है जहां पर एक बहुत पुरानी देवता की मूर्ति होती है और ये उनके टिकी देवता होते हैं। दरअसल थ्योरी ये होती है कि पॉलिनेशिया के टापुओं पर यानी कि उनके आइलैंड्स पर जो लोग रहते हैं वो एशिया से आए हुए हैं। लेकिन इस बूढ़े आदमी को इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सिर्फ उसे वही बताता है जो उसने अपने पूर्वजों से सुना है, यानी कि उनके पूर्वज एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए थे। और थॉर इस बात से पूरी तरह से हैरान होता है। अब साल दिखाया जाता है सन 1946। थॉर पिछले 10 सालों से इसी पर रिसर्च कर रहा है। उसने अपनी बहुत सारी थीसिस लिखी हैं और वो एक पब्लिशर के पास जाता है। दरअसल 10 साल पॉलिनेशिया के आइलैंड्स पर बिताने के बाद, वहां के लोगों के साथ रहने के बाद, वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो बूढ़ा आदमी सही बोल रहा था। पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर जो लोग हैं वो एशिया से नहीं बल्कि साउथ अमेरिका से आए। वो एक पब्लिशर से मिलता है लेकिन वो पब्लिशर उसकी थ्योरी को, उसकी किताब को छापने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज तक सिर्फ ये थ्योरी है, पॉलिनेशिया आइलैंड्स पर जितने भी लोग रहते हैं वो एशिया से आए और तुम अपनी थ्योरी को साबित नहीं कर सकते, क्योंकि 1500 साल पहले जब इन द्वीपों पर लोग आए थे तो उस वक्त साउथ अमेरिका के लोगों के पास ऐसी बोट्स नहीं थी, ऐसी नाव नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतना लंबा सफर तय करके आ सके, जबकि एशियंस के पास ऐसा सब कुछ था। इसीलिए तुम्हारी थ्योरी पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। थॉर कहता है कि वो राफ्ट के जरिए यहाँ तक आए थे। इस बात पर पब्लिशर को हंसी आती है। वो कहता है तुम्हारी अगर यही थ्योरी है, तुम्हारे पास अगर यही एविडेंस है तो तुम एक काम करो, पेरू से पॉलिनेशिया तक जाओ और अगर तुम ऐसा कर पाए वो भी एक राफ्ट के जरिए तो मैं तुम्हारी किताब को, तुम्हारी थ्योरी को छाप दूंगा। और वो ऐसा इसलिए करता है कि इतने बड़े ओशियन को एक राफ्ट से पार करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इतना लंबा सफर और ओशियन में जिस तरह की मुश्किलें होती हैं, जिस तरह की लहरें होती है, एक छोटी सी राफ्ट से उस ओशियन को पार नहीं किया जा सकता। और थॉर के पास अपनी थ्योरी को साबित करने का अब एक ही तरीका है कि वो साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया के टापू तक जाए और ये सफर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है, वो भी एक ऐसे ओशियन में जहां बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। इसके लिए थॉर को फंडिंग की भी जरूरत है। वो एक मैगजीन वालों के पास जाता है और वो कहता है कि वो 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगा साउथ अमेरिका से पॉलिनेशिया के बीच तक, और ये सफर वो लकड़ी की ऐसी राफ्ट से करेगा जो आज से 1500 साल पहले चलती थी, जिसमें कोई भी सुविधा नहीं होगी, कोई सेफ्टी नहीं होगी। मैगजीन वाले उसे फंडिंग करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम सुसाइड के लिए फंडिंग नहीं करते। वैसे भी स्कूल का छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि पॉलिनेशिया की जो टापू है उन्हें एशियंस ने डिस्कवर किया,
किया था, ना कि साउथ अमेरिकन्स ने। जबकि थॉर का ये कहना है कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले ही साउथ अमेरिका के लोग पॉलिनेशिया के टापुओं तक पहुंच गए थे। थॉर यहां से एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जो समंदर के अंदर काफी वक्त बिता चुके हैं, और थॉर इन सबको एक राफ्ट का स्केच दिखाता है और वो कहता है कि इसका नाम है कॉन्टिकी, और इस राफ्ट से हम 5 लोग पेरू से पॉलिनेशिया तक सफर तय करेंगे जो कि 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। यहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि अटलांटिक महासागर में मैं 22 दिनों तक एक राफ्ट पर रह चुका हूँ और ये सफर तय करना नामुमकिन है क्योंकि आप इतने बड़े समंदर में एक छोटी सी राफ्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे दिशा नहीं दिखा सकते, और जो डिजाइन तुमने बनाया है इसके बेस में जो तुम लकड़ियां लगाओगे जिन्हें तुम रस्सियों से बांधोगे कुछ ही दिनों में वो रस्सियां टूट जाएंगी और हम उस महासागर में फंस जाएंगे। वहां पर हम सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर सकते हैं और वो है मौत। थॉर इनकी बातें सुनकर यहां से निकल जाता है। यही रेस्टोरेंट में एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम होता है हरमन। हरमन इनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो थॉर के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे राफ्ट वाला तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। थॉर कहता है क्या तुम एक सेलर हो? हरमन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम भी सेलर नहीं हो। वो बताता है कि वो एक इंजीनियर है लेकिन फिलहाल वो रेफ्रिजरेटर्स बेचता है। थॉर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और इस तरह से थॉर को अपनी टीम का पहला सदस्य मिल जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी मुश्किल फंडिंग की है। थॉर अपने घर पर अपनी पत्नी लिव को कॉल करता है और वो कहता है कि मैं क्रिसमस पर घर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं डायरेक्ट पेरू जा रहा हूँ। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने से मना करती है। थॉर कहता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल इस थ्योरी को दिए और अब मुझे करना ही होगा। उसकी पत्नी कहती है कि तुम तैरना भी नहीं जानते और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है इसीलिए वो क्रिसमस पर घर नहीं जाता और सीधा पेरू चला जाता है। यहाँ पर इनके 3 और साथी होते हैं जो सफर पर इन दोनों के साथ जाएंगे, यानी कुल मिला के 5 लोग हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है जिनके ऊपर वो तीनों बैठे होते हैं और थॉर उन्हें बताता है कि इन लकड़ियों से हम राफ्ट बनाएंगे और तरीका ठीक वैसे ही होगा जैसे आज से 1500 साल पहले यहाँ के लोग राफ्ट बना के पॉलिनेशिया गए थे, क्योंकि ये उसमें फेर बदल नहीं कर सकते, कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकते। अगर ऐसा किया तो इनका दावा गलत हो सकता है, इन्हें खाने पीने के लिए और सामान के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। इसीलिए थॉर एक आदमी के पास जाता है जो कि बहुत अमीर होता है और थॉर उसे कहता है कि मैं साबित करना चाहता हूं कि पॉलिनेशिया में जो लोग हैं, जो वहां पर बसे हैं, वो यहीं के लोग हैं, यानी कि वो परूवियंस हैं। ये बात सुनकर वो आदमी हैरान होता है लेकिन वो थॉर को फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से थॉर को उसकी टीम को पैसे मिल जाते हैं। इनके सफर की खबर न्यूज़पेपर में भी छपती है और यहाँ पर एक फोटोग्राफर आता है और वो भी थॉर की टीम में शामिल हो जाता है ताकि वो पूरे सफर को कवर कर सके। ये अपनी राफ्ट बना लेते हैं और इन्हें अलविदा कहने के लिए कई लोग समंदर के किनारे आते हैं और सबको यकीन है कि अब इन्हें कोई कभी दोबारा नहीं देखेगा क्योंकि ये सफर बहुत मुश्किल है और ये एक बहुत बड़े ओशियन में छोटी सी राफ्ट लेकर उतर जाते हैं। इन 6 लोगों के पास आज से 1500 साल पुराने तरीके से बनी हुई लकड़ी की एक राफ्ट, खाने का कुछ सामान, एक छोटी सी सेफ्टी बोट और एक रेडियो होता है और इनकी राफ्ट अब धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में जाना शुरू हो जाती है। और एक रात को जब सब सो रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक बहुत भयानक तूफान आता है और थॉर जब राफ्ट की सेल को हटा रहा होता है तभी वो एक झटके के साथ पानी में गिर जाता है। थॉर को तैरना नहीं आता लेकिन उसके साथ ही उसे पानी के ऊपर खींच लेते हैं, यानी कि वो राफ्ट पर आ चुका है और इस तरह से थॉर की जान जाते जाते बचती है। अगली सुबह जब समंदर पूरी तरह से शांत हो जाता है तो ये देखते हैं कि इनकी राफ्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है और ये सब अपनी राफ्ट को एक बार फिर से रिपेयर करते हैं। इन्हें आज पूरे 4 दिन राफ्ट पर हो चुके हैं और धीरे धीरे ये अपने सफर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन समंदर इतना आसान नहीं होता। बीच समंदर में इन्हें एक बहुत बड़ी व्हेल दिखती है और जब ये उसे अपने कैमरे से शूट कर रहे होते हैं तो हरमन, जो कि थॉर का सबसे पहला साथी था, वो इस बात से डर जाता है क्योंकि व्हेल उनकी राफ्ट के नीचे से निकल रही होती है। वो वहां से एक शार्प हथियार उठाता है जिस पर एक रस्सी बंधी हुई होती है और वो उसे फेंकने वाला होता है कि उसका साथी बोलता है कि इसे साइड में रख दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे व्हेल के ऊपर फेंकता है जो कि व्हेल के शरीर में जाकर गड़ जाता है। अब व्हेल पानी के नीचे जाना शुरू करती है क्योंकि उसके हथियार में रस्सी बंधी हुई है, इसीलिए इनकी राफ्ट अब घूमना शुरू हो जाती है और इनकी राफ्ट यहाँ पर डूबते डूबते बसती है। इस बात पर हरमन की और इनके एक साथी की आपस में बहस हो जाती है। थॉर कहता है कि राफ्ट के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जिसको कहना होगा मैं कहूंगा क्योंकि इस राफ्ट का इंचार्ज
मैं हूँ। अब धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होते हैं और इनके पास जो रेडियो होता है वो भी खराब हो जाता है, ये किसी से संपर्क नहीं कर सकते और हरमन की दिमागी हालत भी धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे शक होना शुरू हो जाता है कि लकड़ियाँ पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं और धीरे धीरे रस्सियाँ जिनसे लकड़ियों को बांधा गया है वो पूरी तरह से टूट जाएगी और ये सब के सब डूब जाएंगे। दरअसल ये सारी बातें रेस्टोरेंट में उस आदमी ने कही थी जिनके पास थॉर सबसे पहले गया था और अब हरमन के दिमाग में यही बातें घूम रही होती है। इनके साथ वो आदमी जो कैमरामैन होता है जो यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आया है वो सेफ्टी एयरबोट पर बैठकर राफ्ट से दूर चला जाता है ताकि इन सब को शूट कर सके और जब वो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी पानी में एक बहुत बड़ी शार्क आती है। यहाँ समंदर में चारों तरफ शार्क्स हैं जो कभी भी इन पर हमला करके इन्हें मार सकती हैं और इससे पहले कि वो शार्क उस पर हमला करती थॉर उसे देख लेता है और वो एयरबोट की रस्सी को जल्दी से खींचकर उस आदमी को बोट के ऊपर ले आता है और इस तरह से उसकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन समंदर में हर एक जगह मौत है, हर एक जगह खतरा है। इन्हीं में से एक आदमी के पास तोता होता है और उसका तोता पानी में जाकर बैठ जाता है। तभी एक शार्क आती है और वो शार्क उसके तोते को खा जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और जब वही शार्क इनकी राफ्ट के पास आती है तो वो उसे पूंछ से पकड़ लेता है और ये सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं और उस शार्क को मार देते हैं जिससे खून पानी में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शार्क इनकी राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो सब की सब इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। हरमन इस बात से डर जाता है। वो वहां पर एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें उसने स्टील की बहुत लंबी वायर्स रखी होती है और वो थॉर को बोलता है कि अब बचने का एक ही तरीका है, हमें अपनी राफ्ट को इनसे बांधना होगा नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन थॉर कहता है कि हम वैसे ही जाएंगे जैसे आज से 1500 साल पहले लोग यहां से गए थे और वो उन स्टील की तारों को फेंक देता है। हरमन का दिमाग पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और उसका पैर स्लिप हो जाता है, पानी में गिर जाता है और इससे पहले कि शार्क उसे अपना खाना बनाती उसे पानी के ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर आने के बाद हरमन सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है। यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं। इनका नेविगेटर जिसका नाम एरिक है वो कहता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं, लेकिन थॉर को विश्वास है कि वो सही रास्ते पर हैं। और इतने लंबे सफर के बाद ये सब के सब मेंटली फिजिकली पूरी तरह से टूट चुके हैं और एक दिन एरिक जो कि इनका नेविगेटर है वो सेक्सेंट से जो कि एक बहुत ही बेसिक यंत्र है जिससे दिशा का पता लगाया जा सकता है उससे पूरी कैलकुलेशन लगाता है और वो थॉर के पास आता है और उसे बताता है कि ये सब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये पोलिनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज लगभग 3 महीने के बाद इनकी राफ्ट पर पहली बार खुशियां आई है, ये सब एक दूसरे के गले लगते हैं और साथ ही साथ अब इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है। ये रेडियो से कोडिंग मैसेज के थ्रू भारी दुनिया को ये मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे आज से 1500 साल पहले पेरू से कुछ लोग लकड़ी की एक राफ्ट पर पोलिनेशिया पहुंच गए थे। और ये खबर जब भारी दुनिया में पहुंचती है तो वहां पर एक हंगामा मच जाता है क्योंकि आज तक की जितनी भी थ्योरी पोलिनेशिया के इतिहास के बारे में थी वो सब की सब बदलने वाली थी। और 7 अगस्त 1947 को जब इन सबको इस राफ्ट पर पूरे 101 दिन हो चुके हैं, सुबह सुबह इनमें से एक को आसमान में एक उड़ता हुआ पक्षी दिखता है और इस बात से सबको बहुत खुशी होती है। पक्षी का मतलब ये है कि आसपास जमीन है, ये अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और तभी इन्हें सामने एक द्वीप दिखता है और ये वही द्वीप है जहां पर ये पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ेगा जो कि इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये एक कैलकुलेशन लगाते हैं जिसमें हरमन इन सबको ये बताता है कि हर 13वीं लहर 12वीं लहर से ऊंची होती है, इसीलिए इनको अपनी राफ्ट को लंगर के जरिए रोक कर रखना पड़ेगा और ठीक 13वीं लहर से पहले इन्हें लंगर उठा देने होंगे ताकि उस बड़ी लहर की सपोर्ट से बीच तक किनारे तक पहुंच सके। ये लंगर डाल देते हैं लेकिन 10वीं लहर में ही इनकी रस्सी टूट जाती है और ये अब लहरों के साथ बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन किस्मत इनका साथ देती है और ये सब के सब किनारे तक बीच तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह से एक ऐसा सफर जिसके बारे में दुनिया का ये मानना था कि ये कभी भी पूरा नहीं कर सकते, ये 6 लोग उस सफर को पूरा करके न सिर्फ इतिहास लिखते हैं बल्कि पूरी तरह से इतिहास को बदल भी देते हैं।
अगर इंसान के अंदर पॉजिटिव सोच हो, दृढ़ संकल्प हो, उसे अपने आप पर विश्वास हो, जो वो करना चाहता है उसकी तरफ उसका पूरा डेडिकेशन हो, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जो आप या हम नहीं कर सकते। इसीलिए इंसान को पॉजिटिव होकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अंत में हमें इन 6 लोगों के सफर की कुछ फोटोज और असली फुटेज भी दिखाई जाती है जो इन्हीं में से एक ने ली थी। और इस सफर के बाद ये भी साबित हो गया कि पोलिनेशिया के जो मूल निवासी हैं वो एशियंस नहीं बल्कि वो परूवियंस यानी कि साउथ अमेरिकन्स हैं। इस चुनौती भरे 101 दिन के सफर को तय करने वाले जो 6 लोग थे जिन्हें पता था कि उन तक कोई मदद नहीं पहुंच सकती, उनके नाम थे थॉर हेड्रल, हरमन वॉटजिंगर, क्नॉट ह्यूगलैंड, बेंच डेनिलसन, एरिक हेसलबर्ग, टॉस्टिन रेबी। इन 6 लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज कर लिया। जिस नाव से इन्होंने समंदर पार किया था उसका नाम कॉन्टिकी है, जिसे आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है और हर साल हजारों लोग उस नाव को देखने के लिए आते हैं। ये फिल्म सन 2012 में रिलीज हुई थी और पहली बार किसी नॉर्वेजियन फिल्म को ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए एक साथ नॉमिनेशन मिला। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।